तो फिलहाल हम एक दूसरे पोलिंग बूथ पर आ चुके हैं, काफी मतदाता यहाँ खड़े हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे मतदाताओं से कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किसकी तस्वीर बन रही है और किसको आज वो मेरठ शहर से सांसद का ताज पहना रहे हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ बहुत सारी हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, तो माता जी से बात करेंगे। माता जी, क्या मुद्दे हैं आपके मेरठ, आपके मेरठ शहर के क्या मुद्दे हैं जी? ठीक है, किसे किसे जिता रहा मेरठ? साइकिल को दे रहा है अभी तो। अच्छा, और क्या डिमांड है आने वाली सरकार से, क्या कर सहूलियत चाहिए? हमें सहूलियत चाहिए, क्या साइकिल वाला हो क्या वो हो। आपको आपकी क्या मांगे हैं सरकार से, आपके लिए क्या होना, आपके लिए क्या होना चाहिए? सुकून होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए, हमारे भाई साहब खड़े हैं यहाँ, वोट डालकर आए हैं शायद, भाई साहब से बात होगी, गिरने जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं जिन पर आज वोट गिरेगा जी, मेरठ के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही है कि हम तो अमन शांति चाहते हैं और साइकिल को जितवाना चाहते हैं। अच्छा, मैम से पूछेंगे, मैम से बात करेंगे, वोट डालकर आ रही हैं मैम, तो मैम क्या मुद्दे हैं मेरठ शहर के, बताइए खुलकर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई नहीं, मैम से बात, अच्छा नहीं करेंगे तो भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब क्या मुद्दे हैं मेरठ के? हमारे इलाके में सफाई नहीं है। अच्छा, सफाई नहीं है आपके इलाके में, क्या इलाका क्या कहलाता है, क्या नाम है इलाके का? ये इलाका नहीं हमारा, पूर्वा पीर बख्श गोला कुआं, दोलक उधर, क्या नाम बताया? गोला कुआं। गोला कुआं, हाँ। आप कह रहे सफाई नहीं है क्षेत्र, हाँ। में तो और क्या मुद्दे हैं मेरठ के जिनको लेकर आज आपने वोट डाला? तो जो है वो तो होना ही है, लेकिन वो खास तौर से सफाई नहीं है वहाँ। आप अपने क्षेत्र का नाम एक बार और बढ़िया से बता दीजिए, वहाँ जरूर सफाई पहुँचेगी। गोला कुआं मेरठ, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान चलाया गांधी जी की स्मृति में, और आप कह रहे सफाई नहीं पहुंची, तो सफाई बिल्कुल पहुंची। 6 महीने पहले सफाई कर्मचारी की रिटायरमेंट हो गई, तो उसके बाद से कोई सफाई कर्मी नहीं आता। तो 6 महीने से सफाई कर्मी नहीं पहुंच रहा क्षेत्र में? वाले नहीं आता, सिर्फ कूड़ा उठाने वाले आते हैं, दुकानदार कूड़ा अपना डाल देते हैं आगे, लेकिन सारे दुकानदार तो नहीं डालते, सुबह कूड़ा ले जाते हैं और दुकानदार आते हैं। वोट डाला है, दिखा दो अपनी। तो भाई खड़े हैं, युवा हैं, वोट डाल के आए हो, डालने जा रहे हो? डालने आ रहा था वोट। अरे डालने जा रहे हो, क्या चल रहा है मन में, किसकी तस्वीर बन रही है, क्या मुद्दे हैं मेरठ शहर के जिनको लेकर आज ये मेरठ का युवा बटन दबाने जा रहा है? मेरा ये हुआ है, मैं कमल को वोट डालने आ रहा हूँ। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, क्या खुशी है, क्या नाराजगी है, क्या मुद्दे मेरठ शहर के हैं, क्या अच्छा हुआ है, क्या गलत हुआ है, मन में जो कुछ है बेझिझक बताएं। नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं है। यहाँ मैम आई है हमारी वोट डालने, मैम से बात करेंगे। मैम, किन मुद्दों पर वोट डालने जा रही हैं आज? भैया महंगाई के ऊपर। अच्छा, महंगाई का मुद्दा है, और क्या मुद्दे हैं मेरठ शहर के? और किसी से ले लेंगे। आइए आइए आइए, अंदर आ जाइए, दिखाते हैं मेरठ शहर की गलियों, मेरठ शहर की गलियों में पहुंच चुके हैं फिलहाल यहाँ पोलिंग बूथ पर, आगे लोग बाग बैठे हैं, लोग बाग उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेरठ किन मुद्दों पर वोट डाल रहा है, मेरठ अपना सांसद किसे चुन रहा है, प्रधानमंत्री किसे बनाया जा रहा है। अब मैम, वोट डाला ही है या डालने जा रही हैं? डालने गए थे, डली नहीं है। क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये रहा, देखो ये है कि ये नाम में दिक्कत आ रही है। शायद आ रहा है, इसमें शायद आ रहा है। अच्छा, तो ये तो नाम गलत हो गया, दोनों में अलग अलग हो गया है, तो समस्या हो गई। तो ये आप अगले चुनाव के लिए समस्या सही करा लीजिए, क्योंकि अगली बार फिर वोट डाले हैं आप, 27 में फिर चुनाव है। जिस दिन आपकी पर्ची आई थी आपके पास, उस दिन आप देख लेते, उनको बता देते आप ये चीज़, तो सही हो जाता मामला, ये तुरंत आपको उसी टाइम बता देना चाहिए था। पर आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। अच्छा, कब आई भाई? कल आई है पर्ची। कल आपके पास पर्ची पहुंची और आपका नाम गलत निकला, दिखा दो। तो ये हमारे साथ एक वोटर मौजूद हैं, ये आई हैं वोट डालने, पर नाम इनका यहाँ गलत लिखा है, यहाँ शायरा है और यहाँ पे शाहिदा लिखा है। देखिए गलती तो देखिए, गलत नाम पूरा अलग हो गया, तो इसमें समस्या तो आएगी, इसका समाधान पर अगले चुनाव में जरूर हो जाए, इस चीज़ का आप कोशिश कीजिएगा। भाई लोग भाई बैठे हैं हमारे, भाई डाल आए हैं बटन या जवाएंगे? क्या है मुद्दे मेरठ के? मेरठ के मुद्दे विकास के ही है, कि विकास होना चाहिए, विकास के। सरकार कह रही है कि मेरठ वो शहर है पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिसका सबसे ज्यादा विकास हुआ है। जी विकास तो देख रहे हो, विकास हो भी रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा,
दोनों चीजें है। सरकार एक बात और करती है कि सुरक्षा हमारी सरकार में सबको मिल रही है, इस बात से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं भाई साहब? क्या सुरक्षा है प्रदेश में? जी सुरक्षा है। पहले के मुकाबले अब जब बहन बेटियां घर से बाहर जाती हैं, रात बे रात जाना पड़ता है काम के सिलसिले में, तो क्या सुख चैन से रहता है परिवार? जी सुख चैन से रहता है। भैया जो तुम्हारा जानने वाला और मेरठ के और क्या जमीनी मुद्दे जो आप बताना चाहेंगे कि आने वाली सरकार थोड़ा ध्यान दे? थोड़ी सी गली मोहल्ले की परेशानी है, वो बाकी अब काम चल रहा है। ये पहले नाली ये फंसी पड़ी थी तो ये काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब काम होना चालू हुआ है तो अब गलियों में भी सुधार आया है हमारे यहाँ। अच्छा गलियों में सुधार आया है, आप कह रहे हैं नालियां भी अटी रहती थी? जी नालियां भी खुल गई। हाँ अभी कुछ जगह की हुई है, कुछ जगह की नहीं हुई है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा तो मेरठ अपना सांसद किसे बना रहा है इस बार? ये तो देखते हैं, ये तो अभी तो वोटिंग चल रही है। अच्छा अभी वोटिंग जी चल रही है। अभी वोटिंग चल रही है, अभी वोटिंग का रुझान देखते हुए सुनीता वर्मा। अच्छा 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 भाई खड़े हैं मेरे। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए एक बूथ पर और आए हम, यहाँ सिमरन पब्लिक स्कूल में बूथ बना हुआ है। एक दो दो तीन जगह और चलते हैं बूथों पर, और भी लोग आ रहे हैं वोट डालने सामने से। अच्छा अम्मा आई है हमारी निकल के घर से, अम्मा जी आई है, अम्मा जी कुछ बताएंगे क्या? अम्मा जी बताएं कौन सा नाली में सुधार आ रहा है यहाँ पर? देखो नाली देखो यहाँ से वहाँ तक कैसी भरी पड़ी है, कोई आता है यहाँ सफाई करने? अम्मा जी आप वोट डाल के आई है? हाँ डाल के आए। दिखा दो उंगली अपनी सबको। ये रही वोट डाला हो गाली तो आई, सियाही का लगाई इन्होंने। अच्छा लगा दी। अच्छा तो किन मुद्दों पर डाला वोट? किन मुद्दों पर डाला? वो अपनी मर्जी है किसी पे भी डाले। कौन बन रहा सांसद यहाँ से, कौन बन रहा प्रधानमंत्री देश में अम्मा इस बार? क्या पता कौन बनेगा। तो यहाँ मेरठ में क्या सुधार चाहिए आपको कि भाई ये चीज और हो जाए, यहाँ सहूलियत हो जाएगी थोड़ी सी हमें भी जीने में? सफाई की और क्या है, इतनी गंदी होती है हमारी गलियाँ, इतनी गंदी है नाली, इतनी गंदी है, यहाँ मच्छर हो रहे हैं दुनिया से ज्यादा, हम क्या करें बताइए? यहाँ हम बैठ नहीं सकते, हमारे बच्चे परेशान होते हैं, बहुत गंदगी है यहाँ, गटर भर जाते हैं, कोई आता नहीं, सालों साल हो जाते हैं सफाई करने के लिए। तो भाई मेरठ में अभी हम एक मोहल्ले के अंदर मौजूद है, मोहल्ले का नाम बता दीजिए। मोहल्ले का नाम साबिर गेट पूर्व मुफ्तियान मंदिर वाली गली। मंदिर वाली गेट लोधी वाली गली। मोहल्ले का पूरा इन्होंने नाम बताया है। महिलाएं घर से निकल कर आई हैं, वोट भी डाल चुकी हैं, समस्या बताई है गंदगी की। एक सज्जन और मिले थे, देख लीजिए यहाँ पे क्या हाल हो रहे हैं आप देखिए। तो मेरठ की जो समस्या अभी तक हमारे सामने निकल कर आ रही है वो सफाई की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, गांधी जी की स्मृति में वो अभियान चलाया गया, और आज वो स्वच्छता मेरठ में कहीं खोती हुई नजर आ रही है। चुनाव वाले दिन महिलाएं अपने घर से निकल कर अपने जरूरी काम को छोड़कर हमें बताने आई है कि सफाई नहीं है, और क्या मुद्दा है मैम? हम यहाँ बैठ नहीं सकते, हमें यही परेशानी है सबसे ज्यादा। एक यहाँ पे काम होगी, इतनी रोजगार की बेरोजगारी हो रखी है, हमें काम ही नहीं मिलते हैं करने के लिए, घरों में बैठे हैं क्या करें, कुछ मिले जब भी तो हम आगे भी कुछ करें। सरकार हर बार आती है हाथ जोड़ती है हमसे, वोट मांगती है, हम देते हैं, हम उनको चाहते हैं भाई वो सफल हो जाए। तो इस बार किसको चुना गया? हम तो हर बार वोट फूल को ही देते हैं। अच्छा वोट फूल पे डाला है? बस हम फूल पे ही डालते हैं। तो फूल से एक मांग तो सफाई की हो गई, दूसरी मांग? बस हम कुछ नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं हमारे को काम मिले अच्छा, मतलब हमारे जो व्यापार है वो चले, हमारे मिले नौकरी मिले, कुछ करें हम। तो अम्मा आज तो आपने वोट डाला, लोकतंत्र मजबूत करा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जज्बे को सलाम है आपके हमारी तरफ से। तो बाकी ऐसे बढ़ चढ़ के बोलते रहा करें, अपनी समस्याएं बताते रहा करें, हम आप लोगों के लिए ठीक है भैया। आपको हमने बताई है, अब हमारी समस्या का हल तो ढूंढे। आपकी समस्या का हल ये, जो भी यहाँ का सांसद बनेगा या जो भी यहाँ का मेयर होगा उस तक ये बात जरूर पहुँचेगी, हमारा आपको वादा है। यहाँ आएगा, आना पड़ेगा, ये आपकी जगह है, आपका शहर है, आपका देश है, आपके लिए काम करना पड़ेगा, देखिए जो भी बनेगा। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी मेरठ के घंटाघर क्षेत्र से हमारी गाड़ी निकल रही थी तो हमें कुछ लोग दिखे, हम रुक गए, तो बात करेंगे, ये मेरठ के मतदाता हैं, मेरठ के मुद्दों पर इनसे बात होगी। तो साहब आज मेरठ में मतदान है, देश में प्रधानमंत्री का चुनाव चल रहा है, आज मेरठ किन मुद्दों पर वोट डाल रहा है? मेरठ डाला है, बच्चों की नौकरी नहीं है, प्याज के रेट बढ़ गए, लहसुन के रेट बढ़ गए, अदरक के रेट बढ़ गए, आटे के रेट बढ़ गए, चीनी के रेट बढ़ गए, ना इन्होंने सड़कें दी ना बच्चों को नौकरी दी। आज बच्चा जो है वो परेशान है नौकरी की वजह से, घरों में खाने भी नहीं बन रहे, बच्चे जवान हो गए,
प्रधानमंत्री ने दिया कुछ नहीं, सिर्फ ये देना चाह हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम मुसलमानों ने ख़त्म कर दिया इस मुल्क में। ये दिखा दिया मुसलमानों ने कि मुल्क तुम्हारा है तो हमारा भी है, हम इस मुल्क के रखवाले हैं, हमने ये दिखा दिया। पर सर सरकार तो ये कह रही थी कि 80 करोड़ को तो राशन दे दिया, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ से ज़्यादा विकास किसी का नहीं हुआ। अगर विकास होता तो आप घंटाघर से आओ, सड़क देख लो, वो तो हिंदुओं का एरिया है, सड़क देख लो घंटाघर की, सामने सबूत हैगा, पूरा सबूत हैगा, ये मुसलमानों की चार पांच दुकान है, सारा हिंदू मंडी है, इंडिया की सबसे बड़ी मंडी, मेडिकल मेडिकल स्टोर है, इंडिया का सबसे बड़ा व्यापार है, वो सड़क खराब पड़ी है, विकास तो कहीं हुआ ही नहीं। इन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दा रखा, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अब हमने भी तय कर लिया कि हम हिंदू को लीडर बनाएंगे, मुसलमान नहीं बनाने के, हम हिंदू को वोट देंगे, हिंदू हमारी बात कहेगा, मुसलमान नहीं कहने का, हम हिंदू को बनाएंगे लीडर। अब यहाँ हम राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। पर सर आपने कहा राहुल गांधी को हम देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, पर गठबंधन में कप्तान डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कप्तान डिसाइड हो चुका, राहुल तो यहाँ का देश का प्रधानमंत्री माना गया, ये सारे मुसलमानों ने और सेकुलर हिंदुओं ने मान लिया, आज ये सबूत है इस बात का कि 12 बजने जा रहा है, ये एक बजने जा रहा, 55% पोल कर लिया हमने, धड़ा साइकिल चल रही है यहाँ, अखिलेश और राहुल चल रहा है और कोई नहीं चल रहा यहाँ इस मुल्क में, राहुल आ गए, किसी के बाप से नहीं रुकते, ये तो लिया है मुसलमान राहुल को। और यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिला जयंत राहुल अखिलेश के साथ हाथ पकड़ के चल लेते हैं, मौके पे वो भी चले गए, उन्होंने यूं कह दिया भाई इनकी तो नैया डूब रही है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उनकी तो खुद नैया डूब गई, उनकी तो पार्टी खत्म कर दी, प्रधानमंत्री माला डलवा रहे थे तो राहुल वो जो आए जयंत, तो जयंत को यूं कर दिया हटा, चल माला उन्होंने अकेले ने पहन ली, माला अकेले ने पहन ली, उसकी तो उन्हें तो अपने बाबा की अपने दादा की जो देश का प्रधानमंत्री चरण सिंह बनाए थे उनकी पार्टी को खत्म कर दिया। तो मेरठ में बहन जी अभी आई थी, मायावती कह रही थी कि यहाँ से तो हम चुनाव जीत के निकलेंगे। आपकी ने कभी मुसलमानों का नाम नहीं लिया, कभी हमारी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए बहन जी तो दफन हो गई, हाथी की सूंड जो है वो टूट गई। अच्छा। हाँ साइकिल दौड़ गई। हमारे साथ साहब मौजूद हैं, साहब से बात होगी, साहब से बात होगी, साहब क्या मुद्दे हैं मेरठ के, मेरठ किन मुद्दों पे आज अपना सांसद चुन रहा है? भाई मेरठ में जो सांसद चुना जा रहा है ये खाली मुसलमान का नहीं है, हिंदू का नहीं, ये सभी समाज का, सभी परके का, सबका वोट है, और सब चाहते हैं कि यहाँ सरकार जो सांसद बने वो ऐसा बने जो राहुल को मजबूत करे और हिंदुस्तान के तमाम वासियों को, रहने वालों को मजबूत करे, और यहाँ ईमानदारी से, मुसलमान कभी नहीं चाहता कि मैं लीडर बनूँ या कुछ बनूँ, ये कम अकल की बात थी जो सोचा करते थे, सिर्फ लीडरशिप चाहते हैं हिंदुस्तान की बढ़ोतरी के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, कभी मुसलमान ये नहीं चाहता कि हिंदू मुस्लिम का मसला हो, हमारे समाज में हमारे साथ बैठने उठने वाले मुसलमान हैं, हिंदू हैं, हमारे ईद पे हमारी त्योहारों पर आते हैं, हम उन पे जाते हैं और सच्चाई के साथ बता रहे हैं, आज जुमे का दिन है, जितना प्यार हिंदू हमसे करते हैं उससे ज़्यादा हम भी उनसे करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, और यही बात ये है, ताली की बात नहीं, सच्चाई दिल की बात यह है, लेकिन मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और हमेशा करते रहे, हमारे लीडर हैं, लेकिन मोदी जी को ये शोभा नहीं देता कि मुसलमान औरतों को, मुसलमान हिंदू औरतों का सिंदूर लेकर छीन कर उनको दे देंगे, ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ा दुख हुआ, मैं तो बड़ी मोदी जी की इज्जत करता था, लेकिन दुख आज पहली मरतबा मैंने यहाँ बैठ कर कहा लोगों से एंटी बीजेपी वोट डालो मोदी एंटी, और वोट डालो राहुल जी को, यहाँ ताकत अखिलेश की नहीं, मायावती की नहीं, किसी की नहीं, जितना वोटर है, जितना बोलने वाला है हिंदुस्तान के अंदर वो राहुल है, और राहुल की मेहनत है, जिसको ये पप्पू कहते हैं, कायदे में पढ़ा लिखा इंसान आदमी है, ख़ानदानी नस्लदार आदमी है, उनके नस्लें देख लो, उनके ख़ानदान देख लो, कौन लोग थे, क्या कुर्बानी दे गए, और उन्हें को लालच। सर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो बेल्ट है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, जो क्राइम कैपिटल थी, हमने इस क्राइम कैपिटल को आज सुधार दिया है, सही कर दिया, आज अगर घर से बहन बेटी रात बेरात बाहर जाती है काम से, तो जो उसका पिता है, जो उसका भाई है, वो चैन से बैठता है, इस बात से आप लोगों में कितना कोई इत्तिफाक रखता नहीं, है ये है, ऐसा है, अच्छा है, उन्होंने कानून व्यवस्था में सख्ती की है, अच्छा किया,
ये और लोगों को भी करना चाहिए था, लेकिन खाली इस मकसद से ये नहीं है कि लड़की बेटी की हिफाजत तो सबको ही करनी चाहिए, ये गवर्नमेंट को नहीं हर इंसान को करनी चाहिए। जो इंसान किसी की बहन बेटी की तरफ देखे वो गलत है, उसको कोई भी पसंद नहीं करने का। ये हक सख्ती के साथ कानून का पालन हुआ है और ये सच्चाई है कि यहाँ ये आसानी हुई है कि किसी तरह का झगड़ा आने वाली सरकार से, चाहे वो किसी की भी हो, ये हम लोग अभी नहीं बता सकते, चुनाव अभी बहुत लंबा है, उससे आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि सहूलियत ये हो जाए कि हमारा जीवन करे कुछ नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम ना करे, हम तो रिक्शा चला के भी खुश है और कबाब बेच के भी खुश है। और ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन मुहैया कराया है, उस पर आप क्या कह रहे हैं? कोई 80 करोड़ को नहीं दिया, वो तो सबका हक है। हिंदुस्तान में कोई चीज बट रही तो प्रधानमंत्री दे रहा तो लेंगे, मुख्यमंत्री दे रहा तो लेंगे, हम भी तो नौकरी है, दो नौकरी है, दो मेहनत करने की आदत डालो, वरना इस तरह देते रहोगे तो फ्री का जो सामान चल रहा है ये गलत है, ये हराम है बिल्कुल इस तरह का बांटना। लोगों से मेहनत कराओ, नौकरी दो, काम दो, दाम दो उनको, उनको इनके अच्छा बोलो उनके बारे में, उनके बच्चों को पढ़ाइए दो, शिक्षा दो उनको, उनको आगे कामयाबी दो, जो मुल्क की तरक्की हो। ये राशन बांट के ये तो और फकीर बनाया जा रहा है, ये काम अच्छा नहीं है, ये गलत है ये काम को बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ और भाई मौजूद हैं, भाई साहब हैं हमारे साथ आएंगे, तो भाई साहब आज मेरठ जो शहर है आपका, ये एक मिसाल कायम करता है हिंदू मुस्लिम सौहार्द की, तो आज मेरठ किन मुद्दों पर वोट डाल रहा है, मेरठ का सांसद कौन बनता देख रहे हैं आप? बेरोजगारी पे, व्यापारियों का आधा काम रह गया, बिजली का बिल जमा कर देते हैं तो बच्चों की फीस रह जाती है, बच्चों की फीस जमा करते हैं तो बिजली का बिल रह जाता है, ये आज मुद्दे हैं हमारे। आधा काम आधा रोजगार, क्या उसको खा लें, क्या बच्चों को पाल लें, क्या बच्चों को पढ़ा लें। सर सरकार कह रही थी कि भाई मेरठ तो हमने पश्चिम का हीरा बना दिया है, आप आसपास के जिले देख लो, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, उनमें मेरठ आपको नगीना अलग से नजर आएगा, इसमें कितना सच है? गंदा शहर है यूपी में, तो मेरठ है, गांव से भी बदतर है, सड़कें यहाँ की बोल रही है, अभी नमाज पढ़ने जा रहे हैं आधे पैर जूते के हमारे पैर सन जाएंगे, फिर दोबारा धोने पड़ेंगे। सड़कें आप देखो, हम कोई कह रहा है, आप सड़कें देखो यहाँ की, आप महले देखो जा करके, कहीं भी कुछ भी विकास नहीं हुआ। हमें चाहिए यहाँ पर नौकरी, हमें चाहिए यहाँ पर हिस्सेदारी, हमें चाहिए पूरी नौकरी, हमें अपनी बच्चियों को तालीम देनी, हमारी बच्ची भी एमए हो और एमए करने के बाद उसका परिवार अच्छा हो, वो नौकरी पाए, हमारे घर में रोटी रोजी हो। आज हम खाना खराब हो गया, हम बेकार हैं, सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में पिटा तो मुसलमान पिटा। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ युवा वोटर मौजूद हैं, हम युवा वोटर से बात करेंगे। सर किन मुद्दों पर आज मेरठ शहर वोट डाल रहा है, मेरठ अपना अगला सांसद किसको चुन रहा है, क्या युवा के क्या मुद्दे हैं, भारत देश के युवा के मुद्दे हमें बताइए, युवा क्या चाहता है? युवा का रोजगार चाहिए जी, और कुछ नहीं, रोजगार हमारे पास है नहीं, कहाँ है रोजगार? रोजगार नहीं है, परेशानी है और कुछ नहीं है, कारोबार करते हैं, कारोबार में कोई बेनिफिट दिखाई नहीं देता। अच्छा आप भाई साहब वोट डाल के आ गए क्या? तो क्या था, युवा है आप, एक युवा क्या चाहता है आने वाली सरकार से? रोजगार। अभी रोजगार नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। कितने आप कितने पढ़े लिखे हैं सर? मैं 10वीं। अच्छा, तो सर देखिए, सरकार कहती है आप अच्छा पढ़िए, रोजगार आपको मिलेगा, मेरठ शहर है आपका, कितना डेवलपमेंट हुआ, काम हुआ मेरठ में? नहीं। सर आप वोट डाल के आए क्या? बिल्कुल। क्या मुद्दे थे वोट डालते वक्त, क्या आया था दिमाग में? व्यापार है और कुछ नहीं, जीरो है सरकार, कुछ नहीं करने की, व्यापार चल नहीं रहा क्या? सरकार है जीरो, टैक्स इतना लगा रखा जीरो, सरकार कह रही है सारी सहूलियत दी जा रही है व्यापार के लिए, कई सारी हमने स्कीमें बनाई है, कोई अपना नया व्यापार करना शुरू करना चाहता है तो उसको भी पैसा सरकार दे रही है। 10 साल से झूठ बोल रही, अभी तक भी झूठी बोला, आगे भी झूठी बोलेगी जा रही, पर इस बार सोपड़ा साहब। मेरठ से किसकी गाड़ी आगे निकल रही है भाई? साइकिल साइकिल। चलिए तो फिलहाल हम मौजूद थे घंटाघर क्षेत्र में मेरठ के मतदाताओं के साथ, शाही नगर में, तो फिलहाल हम मौजूद थे खैर नगर घंटाघर में मेरठ के मतदाताओं के साथ, सभी वर्गों के मतदाता यहाँ हैं, सभी उम्र के, युवा भी हमारे साथ है, हमारे साथ सज्जन व्यक्ति हैं, हमारे बड़े भी हैं, तो अच्छा आप भी आए हैं भाई साहब तो भाई साहब वोट डाल के आ गए या डालने जा रहे हैं? नहीं डालिया इंशाल्लाह। क्या मुद्दे हैं मेरठ के जमीनी? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो महंगाई का, बेरोजगारी का, जिसमें युवा सब परेशान है आज की डेट में,
पिछले 10 सालों से कोई नौकरी रोजगार नहीं दिया इस सरकार ने, सिवाय आपको लाइनों में लगाने के। सरकार तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, सबको सुरक्षा हो रही है, ऐसा कागजों में तो सब चीजें होती हैं। आप भी देख रहे हो, आप भी तो जमीन पे चलते हो, आपको भी तो पता होगा जनता के बारे में कि जनता क्या चाहती है। जनता भी बदलाव चाह रही है और बदलाव की लहर चल रही है। सर, बदलाव की लहर का हमने माना कि आप बदलाव चाहते हैं, पर विपक्ष में कप्तान डिसाइड नहीं हो रहा। पहले नीतीश बाबू भाग गए, फिर जयंत भाग गए, और अभी ये सब आपस में लड़ रहे हैं कि कप्तान मैं बनूंगा, कुर्सी मेरे को चाहिए। भैया ऐसा होता है, सब चाहते हैं सीट को पकड़ना, पर गठबंधन का जो अलायंस है वो आपस में बैठ के इसका भी निपटारा कर लेंगे। उधर केजरीवाल कभी हावी हो जाते हैं राहुल पे, कभी ममता उधर से हुंकार मार देती है, राहुल को तो सब दबाने में लगे पड़े हैं, राहुल को आप नेता बना। भैया एक बात तो बताओ, जो परिवार परिवार है, जो खानदानी आदमी है, जो इस देश को चला सकते हैं, वो कांग्रेस ही तो है। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि कांग्रेस के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन पा। अच्छा, आप अभी कांग्रेस की बात करी, मैंने पूछा किसकी गाड़ी निकल रही है, तो नाम तो साइकिल का उठ कर आया। भैया गठबंधन तो है, गठबंधन तो है, वो तो हमने मान लिया, पर गठबंधन पंजे के साथ ही तो है साइकिल का जी, तो आवाज तो साइकिल की जोर से। तो भैया एक बात तो बताइए, जहाँ जिस चीज का जोर होगा, गठबंधन तो एक ही है, साइकिल को वोट। नेता किसे मान रहे हो आप लोग अपना, अखिलेश को या राहुल को? मेरी बात सुनो, हमारे नेता तो अखिलेश जी हैं। अच्छा, और गठबंधन के नेता? ये तो नेता अखिलेश को बता रहे, कैंडिडेट जो है वो अखिलेश का है, साइकिल है, इसलिए साइकिल को दे रहे। पंजे का होता पंजे को देते। तो नेता, एक मुख्य नेता कौन? मैं वही सवाल फिर कि गठबंधन में नेता डिसाइड नहीं हो पा रहा। डिसाइड हो चुका राहुल गांधी, अखिलेश भैया कह चुके के देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होना चाहिए। ये कोई झगड़ा रगड़ा नहीं, बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में तो सब कुछ होता, कोई लस्सी पीता, कोई अपना ठंडा पीता। चलिए चलिए चलिए, एक मिनट, हमारे साथ बाऊजी मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे। बाऊजी वोट डाल के आए, दिखा दो एक बार, वोट दिखा दो, अपनी उंगली दिखा दो अपनी। तो बाऊजी किन मुद्दों पर वोट डाला? वोट इसी मुद्दे पर दादा के, ये बीजेपी कुछ नहीं कर रही, परेशान है सब। किसे लेके आओगे? हाँ, किसे लेके आओगे? जिसके वोट ज्यादा हो जाएंगे वही जीतेगा। आपके दिल में कौन है? राहुल को कह रहे हैं सब। आप किसे कह रहे हैं? सब तो छोड़ो, राहुल को। अच्छा, मेरठ का विकास नहीं हुआ क्या आपके? हाँ, आपके मेरठ का विकास नहीं हुआ? 20 साल हो गए सड़क बने हुए, यहाँ जाके देखो आप, जो जाएगा उसके ठोकर लगेगी। और कोई गुंडा मवाली तो परेशान कर रहा नहीं? अब फिलहाल गुंडा मवाली परेशान करते हैं या नहीं? गुंडा वाले तो कोई नहीं करता। हाँ, वो ठीक, कानून व्यवस्था ठीक हुई? कानून सब हो रही ठीक, बेवजह बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं, जो उन्हें उनका कोई राज नहीं है। किसी को घर से पकड़ के उठा दें, किसी को कहीं से पकड़ के ले जाके बंद कर दें जेल में। तो आप देख सकते हैं, हमने युवा से बात करी, हमने मध्यम आयु के पुरुषों से बात करी, और हमारे साथ बुजुर्ग हैं, हमने इनसे बात करी, सबकी बातें जानी। मेरठ में आगे और घूमेंगे, फिलहाल घंटाघर से आगे बढ़ते हैं। मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह, न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए।